तो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आ गए एक नई वीडियो के साथ में, और आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है यार। अभी तक आपने बहुत सारे बड़े 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 से बड़े सर्वर देखे होंगे, पर यहाँ पर आज मैं आपको सबसे छोटा सर्वर बताने वाला हूँ भाई। वहाँ पर आइटम ही नहीं है, मतलब बहुत अजीब से आइटम है, मतलब ज़्यादा कुछ आइटम वगैरह नहीं है, बहुत ही छोटा सर्वर है। और उस सर्वर का नाम है बेतनाम सर्वर भाई। बेतनाम सर्वर वैसे तो बहुत ही बढ़िया सर्वर है, जो वहाँ पर कुछ ऐसे इवेंट है जो इंडिया सर्वर पर नहीं अवेलेबल हो सकते भाई। बहुत ही बढ़िया इवेंट है, पर वहाँ पर बहुत कम आइटम वगैरह है भाई। पता नहीं किस प्रकार का सर्वर है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इंडिया वर्सेस वियतनाम सर्वर के बारे में बताने वाले हैं कि भाई किस तरह से इंडिया का सर्वर है और वियतनाम का सर्वर है और कौन सबसे बढ़िया सर्वर है। तो इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लो, हम आ चुके हैं अपने वियतनाम सर्वर के ऊपर। तो चलो फटाफट कहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लकी रॉयल के अंदर कि भाई लकी रॉयल के अंदर क्या कुछ चल रहा है वियतनाम सर्वर के अंदर। तो चलो फटाफट से हम यहाँ पर लकी रॉयल ओपन करते हैं। तो जैसे ही लकी रॉयल को ओपन किया तो देख लो, अभी जो इंडिया सर्वर पे इवेंट है वो यहाँ पर तो कभी अवेलेबल होगा ही नहीं, मतलब कि जो इनक्यूबेटर के साथ में एक और इवेंट चल रहा है। तो यहाँ पर देखो ये वाले कपड़े जो कॉस्ट्यूम है वो हमारे इंडिया सर्वर पे बहुत पहले आ चुका है, पर अभी लेकिन जो वियतनाम सर्वर है वहाँ पर ये वाला इवेंट अभी आया है। तो आप देख सकते हो ये प्रकार का बंडल आपने पहले भी देख ही लिया होगा। वैसे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं अपने इंडिया सर्वर से गए हुए, बहुत ही कम दिन हुए हैं, पर लेकिन यहाँ पर देख लो वियतनाम सर्वर पर अब इवेंट आया है ये वाला। तो यहाँ पर देख लो, चलो यहाँ पर सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो देख लो यहाँ पर जो न्यू M60 का अपना वेपन रॉयल आने वाला है, तो यहाँ पर देख लो शायद मेरे ख्याल से ये वाला नया वेपन रॉयल हो सकता है, क्योंकि ये लेजेंडरी M60 की स्किन है और यहाँ पर बहुत सारे सर्वर पे पहले से अवेलेबल है। पर यहाँ पर जो वियतनाम सर्वर है तो इस पर अलग से एक फेडेड व्हील करके दिया जा रहा है, उसमें M60 की स्किन आ रही है, पर यहाँ पर फ्लैग इमोट मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर इस फेडेड व्हील के अंदर आपको यहाँ पर फ्लैग इमोट मिलेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी फेडेड व्हील के इवेंट आते हैं उनके अंदर तो भाई कोई इमोट होता ही नहीं है। अगर कोई वैसे भी यहाँ पर गरेना वाले इमोट दे भी दें तो भाई बहुत ही अजीब सा इमोट देते हैं जो हमारे पास पहले से आता है। तो यहाँ पर देख लो इस प्रकार का ये पहला इवेंट है। तो चलो यहाँ पर डायमंड रॉयल के अंदर चलते, तो डायमंड रॉयल एकदम सेम है। देख लो आप यहाँ पर जो अभी इंडिया सर्वर के अंदर चल रहा है वो डायमंड रॉयल का बंडल एकदम से सेम है, पर यहाँ पर जैसे हम डायमंड रॉयल के अंदर चल के देखेंगे कि भाई कितना अलग है, तो आप यहाँ पर देख लो आपको इधर इमोट वगैरह मिलेंगे। वियतनाम सर्वर की सबसे बढ़िया क्वालिटी ये है कि यहाँ पर आपको इमोट भी मिलेंगे और साथ में बंडल भी मिलेगी, यानी कि आपको स्पिन में सीधा एक एक बंडल भी निकल सकता है। जैसे मुझे वहाँ पर मैना सर्वर पे निकला था तो मुझे अभी भी याद है। तो यहाँ पर देख लो सारे बंडल जितने भी स्टोर के अंदर बंडल होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो डायमंड रॉयल का जब भी आप स्पिन करोगे तो हो सकता है आपको मैजिक क्यूब के अलावा आपको यहाँ पर ये बंडल भी आपको देखने को मिले साथ में, तो ये भी यहाँ पर अच्छी बात है। तो मुझे लगता है जल्दी से अपने इंडिया सर्वर में भी ऐसा कुछ अपडेट आना चाहिए कि डायमंड रॉयल के अंदर इस प्रकार के यहाँ पर बंडल ऐड कर देंगे भाई, जिस बंदे के पास कपड़े नहीं है तो वो यहाँ पर डायमंड रॉयल में स्पिन करके कलेक्शन यहाँ पर अपना इकट्ठा कर सकता है। तो चलो यहाँ पर चलते हैं गोल्ड रॉयल के अंदर, और गोल्ड रॉयल के अंदर देख लो बिल्कुल एकदम से सेम है, पर यहाँ पर चलते हैं गोल्ड रॉयल के अंदर क्या है। तो यहाँ पर देख लो जोटा करेक्टर मिलेगा और यहाँ पर एक लाइफ टाइम स्किन भी मिलेगी, तो VSS की डबल डैमेज करके और मैगजीन माइनस करके एक यहाँ पर एक स्किन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी गोल्ड रॉयल के अंदर। तो मुझे और भी सर्वर याद है जहाँ पर बहुत सारे करेक्टर अवेलेबल हैं, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मैना हो गया, तो वहाँ पर बहुत सारे करेक्टर गोल्ड रॉयल के अंदर है, पर वियतनाम सर्वर के अंदर सिर्फ एक ही करेक्टर अवेलेबल है। तो मुझे लगता है भाई वियतनाम सर्वर काफ़ी अच्छा सर्वर है, लेकिन इंडिया सर्वर के अंदर आप देखोगे तो आपको एक भी करेक्टर नहीं मिलेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बॉन्टी वगैरह हो गया, लूट क्रेट वगैरह हो गया, आर्मर क्रेट हो गया, तो इस प्रकार के आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख लो जो अभी इंडिया सर्वर के अंदर जो वेपन रॉयल चल रहा है और यहाँ पर देख लो जो वियतनाम सर्वर के अंदर अभी अवेलेबल है जो वेपन रॉयल, तो आप देख सकते हो कितना अलग डिफरेंट है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात हो सकती है कि वियतनाम सर्वर थोड़ा सा अपने इंडिया सर्वर से आगे है, और ये M14 का स्किन बहुत ही जल्दी अपने इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला है, तो आप उसका वेट कर सकते हो। और जैसे हम वेपन रॉयल के अंदर चल के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे P90 के भी बढ़िया वाले स्किन, तो वहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर देख लो ये वाले लॉन्चर भी आपको यहाँ पर स्किन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी स्किन वगैरह है, जैसे MP40 हो गया और बहुत सारी यहाँ पर स्किन अवेलेबल हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया बात है कि यहाँ पर वियतनाम सर्वर के अंदर इतना कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम बात करें आगे जाके इनक्यूबेटर के अलावा एक इवेंट चल रहा है वो तो मैंने बता दिया। तो इनक्यूबेटर के अंदर चलें तो वो इवेंट है M4A1 का स्किन जो यहाँ पर इंडिया सर्वर के अंदर अवेलेबल है। तो चलो ये तो थी हमारी लकी रॉयल के अंदर की बातें। तो चलो यहाँ पर चलते फटाफट से स्टोर के अंदर। Oh,
वीडियो पसंद आता है तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई, थोड़ा सपोर्ट तो करो। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।